लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी गुड़िया के साथ शादी करेगा? हाँ। सच? सच। बन
सीता के समय दुल्हन ऐसा क्यों होता है, सीता के समय दुल्हन ऐसा क्यों होता है। थोड़ी देर करो दुल्हन अमर भर दूल्हा रोता है, नंदी रानी की ये जवानी देख के आए मुंह में पानी, हाय दुल्हन से कम तो नहीं जो दूल्हे की सासू है, दुल्हन से कम तो नहीं जो दूल्हे की सासू है ना। उम्र से ज्यादा सही कितने जो हिलेगा वो गोली खाएगा। ये क्या हो रहा है ऑफिसर? गेट बैक, हमको यहाँ की तलाशी ले रहा है। क्या आपके पास वारंट है? We don't need your bloody warrant. वारंट तो होना ही चाहिए, मैं वकील हूँ और हम यहाँ का मालिक है। तुम्हारा भाई किधर है नवीन? वो शादी में नहीं आया। तुम हमसे झूठ बोलता है क्या? You bloody Indian liar. सर, ये झूठ नहीं बोल रहा है, मैं मेरे यहाँ नहीं आया, भगवान की कसम। तुम उसका बाप लगता है इस खातिर झूठ बोलता है? तुम्हारा बेटा हमारे तख्ते को पलटेगा? हम तुम्हारे बेटे को फांसी पे लटकाएगा क्या, समझा? सिपाही, यहाँ की तलाशी ले लो। नवीन, wherever you are, I order you to surrender. नहीं तो तुम्हारी वजह से बहुत खून खराबा होगा। बाबूजी, हाँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि नवीन जिस रास्ते पर चल रहा है वो ठीक नहीं है, उसकी तबाही हमारे खानदान की तबाही है। वैसे नवीन कोई बच्चा तो नहीं है, वो जो कुछ कर रहा है सोच समझकर ही कर रहा होगा, और मैं तो समझता हूँ वो ठीक ही कर रहा है। बाबूजी, क्या खून खराबे से अपना देश आजाद हो जाएगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब लोगों पर जुल्म होगा उसके खिलाफ आवाज उठेगी, हथियार भी उठेंगे,
टीपू सुल्तान, नाना फडणवीस, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर, ये लोग कोई पागल तो नहीं थे? लेकिन बाबूजी, बहन जी आपको उलझन हो रही होगी, आप जनाने में बैठ जाइए। मैं नहीं, पहले नहीं भाभी, नहीं पहले नहीं। आप खाओ। आप कौन है? सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए नवीन भैया। भाभी मैं आपका दीवान नवीन हूं, मैं आपको दुल्हन के रूप में देखना चाहता था, मन नहीं माना इसलिए आपके दर्शन के लिए चला है, नहीं तो अपनी जिंदगी का क्या भरोसा। ये तो मेरे सौभाग्य है। छोड़िए इन बातों को, अब मुझे बहुत भूख लगी है। अभी देती हूँ, ये लो। नहीं अपने हाथों से खिलाइए, परसों का भूखा हूँ, माँ के हाथ का खाना नहीं खाया, आपके हाथों से खाऊंगा ना तो बरसों के लिए पेट भर जाएगा। वाह क्या अचार है। और एक बात, चलता हूं। लो फिर चले आए नवीन को ढूंढने, और वो कोई पान का डिब्बा है जो जेब में रख लिया जाए। आप जी? नहीं साहब, हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं। माफ कीजिएगा। शादी पर तुम्हारे घर वालों ने हमें एक थैला नहीं दिया, धोखा दिया है। उधर मत देखो, नीचे देखो। तुम्हारे पति देव को भूख लगी है, इस टोकरी में खाना पड़ा है, निकाल के दो। बैठी घूंघट निकाले है। लुट गई शादी के पहले दो बच्चे। अरे हटो भी, बहुत हो गया। अरे जा, अरे जा ना। अरे बहू क्या हुआ? बहू घबराओ मत, डरो मत, ये शैतानियां तो पीढ़ियों से चली आ रही है। बस बहुत हो चुका, जाओ। भैया भाभी तो Thank you.
खुश रहो बहू, खूब फूलो फलो, खूब फूलो फलो। ये गृहस्थी तेरी है, घर तेरा है, सब कुछ तेरा है, ये ले संभाल इसे, अब मैं आराम करूंगी। अजी सुनती हो? जी जी आई। सुनो मैं जी तेरो बेटे सदा सुहागन रहो। मैं कचहरी जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि याद नहीं आज मुकदमे की तारीख है। अरे हाँ, कितना सोचा था अगर मुकदमा जीत जाते तो इसी हवेली से प्रवीण की बारात धूमधाम से निकलती। सो तो है, खैर एक काम करना, बहू को लेकर हवेली में जरूर चली जाना। मुकदमा अपनी जगह है, रिश्ता अपनी जगह है, आखिर हवेली वाली भाभी तुम्हारी जेठानी है, भले ही उसने धोखे से हमारी हवेली पर कब्जा कर रखा है। तुम ना भी कहते तो भी मैं ले जाती। जान सी बहू है हमारी, अरे वो हवेली वाली देखेगी तो आंखें फट जाएगी उसकी, जल जल के मर जाएगी वो। अच्छा मैं चलता हूं। ओहो, देवरानी जी बहू को लेकर आए हैं। छूने तो आते नहीं। कमली, पत्थर जैसे हाथ तो देख लिए, अब मुंह भी दिखा दिया इसका। जी जी, मुंह देखना हो तो आप खुद देख लो। अच्छा अच्छा समझी, मुंह दिखाई लेने का लालच है। ये लो 700 लेके हैं। कमली उठा दो घूंघट, चल हट। जी जी, पैसे का इतना घमंड अच्छा नहीं। बहू को लेकर हम तो आपको इज्जत देने आए थे, अपनी इज्जत खराब करने नहीं। ये लो अपनी सौगात। ओहो देवरानी जी, आप तो नाराज हो जाती हैं। लो मैं उठा देती हूँ घूंघट। लो। ओहो, इसी सुंदरता के ढोल पीटे जा रहे थे। नाक देखो, पकोड़े जैसी है, पकोड़े जैसी। आंखें तो बटन है बटन। अरे देखो देखो, कान देखो, हाथी जैसे है, हाथी जैसे। अरे इससे तो अच्छी हमारी कमली बड़ी सुंदर है। अजी सुनो, बहुत बहुत थक गई, अब उसे जाने भी दो। अरे शांता बेटी, वो सुबह के लिए दही जमा देगा, भूलना नहीं। हे भगवान, ये तो सो गए हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, जाऊं नीचे जाके काम खत्म करके आऊं। ए काम की बच्ची, क्या हो रहा है, फिर नीचे जा रही क्यों? आप सो रहे थे इसलिए सोचा नीचे जाके काम। काम काम काम, तूने मुझसे शादी की है या घर से? मैं अभी तो घर गई हूं।
मुझे जल्दी बुला लेना। अच्छा सुनो, मौका मिले तो चिट्ठी लिखना। हाँ अरे बेटा, ट्रेन का वक्त हो रहा है, जल्दी करो। चाचा जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है कि शांता को विदा कराने वो खुद नहीं आ सके। एकाएक तो उनकी तबीयत खराब हो गई, विदा का दिन बीता जा रहा था इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। तो क्या हुआ, पड़ोसी भी तो अपने ही होते हैं ना। अजी सुनती हो? सुनो प्रवीण, सुनो बहू मंजू,
फैसला हो गया, मुकदमा हम जीत गए, अब ये हवेली हमें फिर से वापस मिल जाएगी। अरे सुनो रे गांव वाले भाइयों, हवेली का मुकदमा हम जीत गए, ये रहा फैसला, कहो तो जोर। अरे तो क्या हुआ, छोटे कचेरी में ही जीते हो, अभी तो कोर्ट पड़ा है, हाई कोर्ट पड़ा है, महारानी विक्टोरिया की अदालत पड़ी है, मैं तो जीत के ही रहूंगी। नाटक शुरू हो गया, मैं तो मुकदमा विलायत तक ले जाऊंगी, छक्के छुड़ा दूंगी तुम लोगों के, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, मगर मैं हवेली नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। देखा चंडी माँ का रूप। ओहो, तुम अपनी खुशी में सब कुछ भूल गए, अरे बहू की घाड़ी छूट जाएगी ना। बहू जाकर खबर देना है। जी जीते रहो जीते रहो। अरे बेटा सूरज बेटा, जरा समझी चीज कह देना की अब के उनका स्वागत हम इस हवेली में करेंगे। जी बहुत अच्छा। जीते रहो बेटा, देखो खड़ी खड़ी कैसे जल रही है, हार गई है ना। तुम खुश तो हो ना शांता? बहुत खुश हूं। तुम? कभी कभी सोचता हूँ किस्मत ने भी हमारे साथ अजीब आंख में चोली खेली। इससे पहले कि मैं तुम्हारे चाचा जी से बात करता, वो तुम्हारा रिश्ता तय कर चुके थे। मैं जानती हूँ। क्या सोच रही हो? यही कि कोई अच्छे से लड़की देख के शादी क्यों नहीं कर लेते। तुमसे मिलने से पहले और तुमसे मिलने के बाद कोई लड़की अच्छी ही नहीं लगी तो शादी किससे करता? छोड़ो ये पागलपन। ठीक है पागलपन ही समझो, अब तो अपनी जिंदगी कामकाज में डुबो दूंगा, ये समझूंगा गरज के काट दिए जिंदगी के दिन है दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे भुलाने में। चौरंगी। जी मालकिन। ये लोग मुकदमा छोटी कचहरी में जीत गए, लेकिन ये मुकदमा मैं आखिरी दम तक लड़ना चाहती हूँ। इनकी आंखें ठीक कर दी जाए। बिल्कुल मालकिन, जैसे आप कहें मालकिन। देखो इनकी छोटी बहू के पेट में हमारा दूसरा दुश्मन पैदा होने वाला है, कहिए तो खत्म कर दिया जाए। नहीं नहीं चौरंगी, नहीं, अब की नवीन आए तो अंग्रेज सिंह को कहना कि वो उसे देखे, और तुम भी उस पर नजर रखना। बिल्कुल मालकिन, जैसे आप कहें मालकिन। कर्नल के बच्चे को किसी भी हालत में नीचे नहीं आने देना, जाओ। तुम इधर आओ, तुम इस तरफ ध्यान रखो, तुम वो गाड़ी लेकर आओ और बारूद के बक्सों को संभालना, जाओ। तुम पीछे रहो। हेलो, आपने खाना खा लिया? मैं बर्तन ले जाऊं? तुम कौन हो? आपका बैरव है ना, वो मेरा होने वाला मर्द है, वो बीमार है ना, इसलिए मुझे भेजा। Wait, what's the hurry?
छोड़िए ना। वाव वाव वाव, सेक्सी वॉक। गुड, तुम आ गया। कम कम, इधर आओ। वो हम भूल गया था। छोड़ो ये सब काम, मेरे पास बैठो। You know, हम बहुत lonely हैं। हमारा मेम साहब विलायत चला गया। साहब, तुम बड़ा हरामी है। मतलब? खूबसूरत। Oh, beautiful. Yes, हम सब officers से खूबसूरत हैं। हम सबसे बड़ा हरामी है। हमको शर्म आता है। हम कुंवारी है ना, हमारा शादी नहीं हुआ। My flower, हम तुम्हें deflower करेगा। क्या हो बेबी? तुम कौन हो? तेरी मौत। ये तुम्हारा होने वाला मारा थे। You bloody liar, you cheat. जान बचाने के लिए शुक्रिया। आखिर तुमने साबित कर ही दिया। क्या? मेरे प्यार के लिए तुम अपनी जान भी दे सकते हो। आज मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, एक साथी के नाते। नहीं, प्रीतम के नाते। तुम भूल कर रही हो, तुम मेरे उसूलों को अच्छी तरह से जानती हो। आ मेरे साथ। तुम अपनी बंदूकें हटा लो, क्योंकि इससे तो तुम्हें सिर्फ मेरी जान मिल सकती। नवीन, नवीन, तुम मुझे पहचानते हो? तुम इनकलाबियों को कौन नहीं पहचान? मुझे भी पहचान लो। मेरा नाम सूरज है। सूरज? तुम्हारा मेरा तो खास रिश्ता है नवीन। तुम्हारी भाभी तो यहीं की है ना। तुम लोग आए भी बड़े मौके से हो, और तुम्हें तो वो खबर भी नहीं मिली होगी। क्या
तुम्हारी भाभी को बेटा हुआ, तुम चाचा बन गए हो। चाचा? अरे मैं चाचा बन गया नवीन, मैं चाचा बन गया, भाभी भाभी से मिलकर रहता हूँ। नवीन तुम वहां नहीं जा सकते, तुम्हारी जान को खतरा है। जान से प्यारे को मिलने के लिए अगर जान भी चली जाए तो क्या? अबे क्या दिखता है, मैं तेरा चाचा हूं, चाचा नवीन चाचा। अबे क्या कर रहे तू? अरे दूध तो तुझे तेरी अम्मा देगी, मैं तुझे सिर्फ आजादी दे सकता हूं। नवीन कैसी हो भाभी? मैं तो दिल्ली गई थी भाभी, मैं इसे अपनी पार्टी में भर्ती करने ले जाऊंगा। मुझे भी ले जा। भैया तुम्हें छोड़ेंगे? क्यों नहीं, देवर का आधा अधिकार भाभी पर होता है और भाभी का पूरा। वो कैसे? अरे चार, भाभी सिर्फ भाभी नहीं होती, माँ भी होती है। भाभी माँ, मुझे सब रिश्ते मंजूर हैं, लेकिन माँ की तरह ये नहीं कहना कि क्रांति का रास्ता छोड़कर घर वापस लौटा। घर लौटने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगी, लेकिन कभी कभी आया करो, ये तो कह सकते हैं। साल में एक बार ही सही, होली के दिन। अभी मां खून की होली खेलते खेलते कब कहां निकल जाऊं कुछ नहीं पता। खून की होली तुम अंग्रेजों से खेलो, लेकिन रंगों की होली हमसे खेलो। मैं वचन नहीं दे सकता भाभी माँ, लेकिन मैं तुम्हें वचन देती हूं, जब तक तुम होली पर नहीं आओगे मैं होली नहीं खेलूंगी। मेरा बच्चा गवाह है। अम्मा भाभी से बोलो ना मेरे साथ होली खेले। सबके घर में होली खत्म हो गई है, हमारे घर में शुरू भी नहीं हुई। भाभी खेलो ना, भाभी खेलो ना। अरे नवीन का इंतजार छोड़ बहू, उसका क्या भरोसा, वो कह तो जाता है फिर भी बरसों नहीं आता। तू खेल ले होली। नहीं माँ जी, मैंने नवीन भैया को वचन दिया है, जरूर आएंगे। कितने बरस करेगी उसका इंतजार? इंतजार में 4 साल गुजर गए, लेकिन नवीन भैया नहीं आए और हम लोगों की जिंदगी लहरों की तरह उठती रही गिरती रही। मेरे पति मास्टर से हेडमास्टर हो गए। हमारे घर में एक मुन्नी भी आ गई। मुन्ना को बहन मिल गई और मंजू को एक गुड़िया। इसी बीच हम मंजू के लिए एक अच्छा सा लड़का मिल गया और हमने मंजू की सगाई कर दी। और फिर साल गुजरा और एक बार फिर होली आ गई। भाभी माँ,
क्या बात है? हाँ। उन्ना क्या हुआ? कमाल है, अरे आओ बाबू, बहुत देर लगा दी तुमने, इतनी देर तक अरे क्या अरे ये क्या किया तुमने? किया तुमने हमको, अब बचकर कहा जाएगा? लड़ी लोग पानी ले आओ, इसका मुंह साफ करने का है, जल्दी पानी ले आओ। किशन पानी लाओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नवीन तुम पीछे के रास्ते से जल्दी, तुम समझती नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहती हूँ तुम जाओगे, जाओ। अभी अगर मैं चला गया वो लोग भैया को मार डालेंगे। भैया को कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे भैया सरकारी स्कूल के हेडमास्टर है, जाओ। अभी तुम समझते क्यों नहीं हो, इस अंग्रेजी कुत्ते को मैं यहाँ मार के काट के जाऊंगा। नवीन अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे, जाओ। सो नवीन यू ब्लडी इंडियन बास्टर्ड, तुमने हमारे आदमी को हथियार खाना में मारा, हम तुमको सूली पर लटकाएगा, क्या समझा? सूली पर। बहुत दिन से तुम्हारा शक्ल देख, यू ब्लडी हेड मास्टर, तुम लोग हमको फूल बनाता है, फूल बनाता है। मेरे साथ थाना चलो, चलो मेरे साथ। साहब यू शट अप, यू ब्लडी क्लेवर लेडी, चल चल। तुम्हारा इतना अच्छा बदन है, गाय को मारने पर मजबूर करता है, गाय को मारने पर मजबूर करता है। हम तीन तीन दिन तक तुमको मारता रहा, तुमको मारता रहा, गाय को नहीं बोलता है, गाय को नहीं बोलता है, मार मार के हम थक गए हैं। हम तुमको मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम बोलता नहीं है, गाय को नहीं बोलता है, गाय को नहीं बोलता है। बोल नवीन कहाँ है, बोल, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बीवी को और तुम्हारी सिस्टर को रेप कर दूंगा। नवीन काले पर्वत के पीछे जंगल में है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
बेटा हाँ चुप हो जाओ, उसे तंग मत करो। बहुत हो चुका बाबूजी, एक दिन नवीन हम सबको ले डूबेगा। अब हमें उससे कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन तुमने उन लोगों को नवीन का पता तो नहीं बताया। बाबूजी, नवीन का नाम मेरे सामने मत लीजिए। हेलो हेलो, बहादुर सिंह कॉलिंग 421। बहादुर सिंह कॉलिंग 421। नवीन के भाई स्कूल मास्टर परवीन ने क्रांतिकारियों के अड्डे का पता विल्सन को बता दिया है। और इस जगह को फौरन खाली कर दो, यहां अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ना। चलो सुनो, वो ट्रांसमीटर दो, ट्रांसमीटर। अरे क्या हुआ बताओ तो सही, क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने अपने अड्डे का पता बता दिया है। आज की सभा का यह फैसला है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तुम अपने देशद्रोही भाई प्रवीण को खत्म करके हमें खबर दे दो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो? ये खून का रिश्ता है। अंग्रेज को अपने अड्डे का पता बताने का मतलब है मेरी मौत, और मेरा भाई मेरी मौत तभी नहीं चाहेगा। मैं नहीं चाहता कि इस गलतफहमी के बिना पर मैं अपने भाई का खून कर दूं, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। प्यार का शब्द तुम्हारी जुबान पर? क्या मैं इनसे कुछ पूछ सकती हूं? नवीन, कभी तुमने मुझसे प्यार किया था? हाँ। और एन उस वक्त जब हमने एक दूसरे का हो जाने को सोचा था, तुमने कानून बनाया था, याद है? हाँ। क्या था वो? प्यार, भावना, ममता, जो कुछ भी क्रांति के रास्ते में रुकावट बने उसे तोड़ दो। और मैंने अपने प्यार का गला घोट दिया। मैं पूछती हूं नवीन, मेरा प्यार प्यार नहीं था? और तुम्हारा प्यार प्यार है? प्यार की गहराई बड़ी और छोटी नहीं होती। यह फैसला तुम्हें यह फैसला नहीं बदला है, यह अपने प्यार का हिसाब करना चाहती है। इसका क्या सबूत है कि मेरे भाई ने पता बताया था? क्या सबूत है? खबर देने वाला क्रांतिकारी है वो, यह है। और क्रांतिकारी झूठ नहीं बोलता। मैं अपने भाई से मिलकर पूछना चाहता हूं, और इसके लिए मुझे वक्त चाहिए। वक्त नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तुम्हारे 5 घंटे तक ये कह दो, वरना 1, 2, 3, 4। मैं यकीन दिलाता हूं, अगर मेरा भाई कसूरवार हुआ तो इस पिस्तौल की गोली उसके सीने के पार होगी, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो आप लोगों को इस अड्डे के बाहर मेरी लाश मिलेगी। एक यहां तुम नवीन की चिट्ठी। भाभी एक मुश्किल आन पड़ी है, भैया से कहना आज रात किसी भी हालत में मुझे पुराने किले के पीछे मिले, ये खत किसी के हाथ में ना पड़ने पाए। चिट्ठी किसकी है?
नवीन भैया के। उसने आपको आज रात को पुराने किले में मिलने के लिए कहा है। मुझे उससे नहीं मिलना, चिट्ठी इधर लाओ। लेकिन नवीन भैया ने लिखा है कि नवीन भैया की ऐसी की तैसी। उसने तो कहा गए दो कौड़ी की औरत क्रांतिकारियों की सरदार बनती है। प्रवीण, अरे क्या कर रहा है? जाओ, ये मेरी मेरी बीवी नहीं, दुश्मन है। तू जान से मार डालेगा, जान लेके रहेगी। छोड़ दे प्रवीण। अरे सुनिए, क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ प्रवीण? मेरे बच्चे, मेरे बेटे को हाथ मत लगा। मेरे बेटे को प्रवीण ने ठीक कहा था, प्रवीण ने ठीक कहा था। तूने उसकी जान ली, तूने उसकी, तू सब जानती थी, सब जानती थी। अब नाटक करते हैं। अरे दुश्मनी हुई तो क्या हुआ? है तो मेरे देवर का बेटा। इस जायर की शक्ल देखना पाप है। इस जायर को तो आज पहली कोठरी में डालकर तड़पा तड़पा कर भूख प्यास से मरना चाहिए। अरे देवरानी जी, अगर ये मेरी बहू होती तो इसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक देती, कीड़ों को खिलाती। बोलो, इसे मार डालना चाहिए। मार डालो इसे, मार डालो, मार डालना चाहिए। मुझे अपने पते से कोई नहीं अलग कर सकता। मैं इनके साथ जाऊंगी। मैं सती बनूंगी। ये लो बेटे तुम्हारी फीस। बाबूजी, आपकी बहू शांता हमारे गांव की है, फिर मैं आपसे फीस कैसे ले सकता हूँ? रखिए। वाह बेटे, अगर गांव के मुकदमे तुम मुफ्त में लड़ते रहे तो तुम्हारी वकालत चल चुकी। मैंने तो सुना है कि वकील अपने बाप से भी फीस मार लेते हैं। आपका तार। तार? क्या बात है? मालूम नहीं, मुझे फौरन गांव बुलाया। ओह, आपको तो फौरन गांव जाना चाहिए। इसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, हवेली वालों को नोटिस मैं भेज दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अच्छा।
अभी अपना फैसला बदल लो। भगवान के लिए अपना फैसला बदल दो, कुछ तो बोलो। भाभी सोचो तो जरा, लोगों ने कह दिया और तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया, ये भी कभी सोचा है कि हमारा क्या होगा, मुन्ना का क्या होगा, मुन्नी का क्या होगा? क्या मुन्नी तुम्हारे बगैर जी सकती है? होने का कोई अधिकार नहीं। बहू बहू मेरी आज्ञा, तुम चिता से उतर आओ, उतर आओ चिता से। अरे भाइयों ये नाच गाना बंद करो, बंद करो ये नाच गाना, मैं कहता हूं ये नाच गाना बंद करो।
बाबूजी, सती होना बड़े सौभाग्य की बात है। काहे का सौभाग्य, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है पंडित जी। ये आत्महत्या कर रही है और आप लोग फूल चढ़ा रहे हैं इस हत्या पर, जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। ये क्यों नहीं सोचते कि औरत एक माँ है, जननी है, जो हर रूप में अपनी ममता का प्रदर्शन करती है, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, भाभी के रूप में, लेकिन उसका असली रूप है माँ का, माँ, अम्मा। जरा सोचो भाइयों, इस धरती पर ममता नहीं होती तो तुम लोग कहां होते, ये दुनिया कहां होती। जो समाज अपनी जिंदा मां को आग की लपटों में जलता देखकर जय जयकार करता है, वो समाज कभी जिंदा नहीं रहेगा, इस दुनिया से मिट जाएगा। भाइयों, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। अरे भाइयों, मर कर छुटकारा पाना तो आसान है, लेकिन इस संसार में जिंदा रहकर दुख और तकलीफों का सामना करने का नाम ही है जिंदगी। भाइयों, तुम्ही लोगों पर फैसला छोड़ता हूं, तुम्ही लोग फैसला करो, ये सती होकर जल जाए या मां के रूप में जिंदा रहे। जवाब दो भाइयों, जवाब दो, सती या मां? मां। फिर बोलो मां की जय। माँ जी ने मुझे माफ नहीं किया, वो अब भी मुझे तुम्हारे भैया के खून की दोषी समझती हैं। .45 कैलिबर, तो मेरा शक ठीक निकला। इसी पिस्तौल से तूने मेरे भाई का खून किया था ना? बोल, क्या किया था उन्होंने? बोल, किसकी साजिश थी? बोल, बता दो। हवेली वाले ने कहा था कि हमारी लड़की को खत्म कर दो, मैं तो नौकर करूं। क्या बिगाड़ा था मेरे भैया ने उस बुढ़िया का? क्यों किया था खून? बोल। वो कह रहे थे कि बाबूजी दो चार के मेहमान है, नवीन को तो अंग्रेज तुम कर डालेंगे, अगर हम बड़े लड़के को खत्म कर डाले तो हवेली पर हमेशा के लिए हमारा अधिकार हो जाएगा। लेकिन अभी वो बुढ़िया कहां गई? उसे मालूम पड़ा कि तुम जैसे भागे हो, वो हवेली से भागी। लेकिन मौत से कहां भागेगी? चल मेरे साथ। बोल, बोल सबके सामने, किसने मेरे भैया को मारा था? बोल। मैंने मैंने मारा, हवेलियों ने कहा था। कमीने, तूने मेरे बेटे को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जाने दो गंगा, इसे मार के क्या फायदा? बहू, बहू, मुझे मुझे मार कर दो। माँ जी, मुझे माफ नहीं, मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं कहते। भाभी, ये अचार तुम किस तरह बनाती हो? बहुत मजेदार बनता है। एक नए किस्म का मसाला। क्या, मुझे भी बताओ। प्यार। इसलिए शायद तुम्हारी तरह मीठा और तीखा भी है। भाभी, तुम्हारी कोई बहन है? क्यों? सोच रहा हूं कि क्रांति वांति का रास्ता छोड़कर शादी कर डालू और कुछ 8-10 मुन्ने मुनिया का बाप बन जाऊं। ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। भाभी, ये कोई शादी वादी नहीं करेगा, सब गप मार रहा है। भाभी, ये सब मेरे साथी हैं। नमस्ते। नमस्ते। नवी,
इसमें तुम्हारा पासपोर्ट है, तुम आज ही जाके नेताजी से प्लान की मंजूरी ले लो। कुछ रुपयों का इंतजाम हो चुका है और बाकी का भी हो जाए तो तुम फौरन निकल सकते हो सूरज डूबने से पहले। क्या किया जाए? कुछ तो करना ही पड़ेगा। करना क्या है, हमें तो पैसे चाहिए ना, पास के गांव में जाकर इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन नवीन, भाभी तुम्हारे सुहाग के घर अब इसकी कोई जरूरत तो है नहीं मुझे, ले लो इसे, समझ लो तुम्हारे आजादी की लड़ाई के लिए तुम्हारे भाभी माँ का आशीर्वाद है। भाभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन अब तुम जा सकते हो। चाचा जी हम नहीं जाने देंगे। क्यों? तुम किधर से आता है किधर जाता है हम नहीं जाने देंगे, हमें सब बताओ। हाँ चाचा जी हमें सब बताओ। वो नाचते रहोगे, बाद में बताऊंगा। नहीं, नहीं चाचा जी नहीं, हम नहीं जाने देंगे आपको, बताओ ना चाचा जी। तुम्हें कसम है अपनी माँ की जिसकी तुम संतान हो, आज दिखा दो दुनिया को के तुम मर्दे मैदान हो। टिकली कलिर की, टिकली कलिर की, टिकली कलिर की होए, टिकली कलिर की, टिकली कलिर की, टिकली कलिर की होए। तुम्हें कसम है अपनी माँ की जिसकी तुम संतान हो, आज दिखा दो दुनिया को के तुम मर्दे मैदान हो। टिकली कलिर की, टिकली कलिर की, टिकली कलिर की होए, टिकली कलिर की, टिकली कलिर की, टिकली कलिर की होए। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? वो अपनी मुन्नी है ना? हाँ। आजकल एक लड़के मिक्की से मिलती है, मैंने उस लड़के के बारे में पता किया है, वो लड़का अच्छा नहीं है। अगर वो उस लड़के के चक्कर में फंस गई तो बहुत पछताएगी। पता नहीं क्यों कुछ दिनों से घर में बहुत झगड़ा चल रहा है। खैर मैं मुन्नी को समझा दूंगी। अरे अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं कैदी को देख रही हूँ, तुम बहुत खांस रहे हो, कोई दवाई नहीं लिया? दवा तो लेता हूँ। खाली दवाई लेने से क्या होता है, अकेले घर में रहते हो, कोई देखभाल करने वाला नहीं, तुम कोई वादा करो, जो कहूंगा करोगी? बताओ क्या। हम शादी करेंगे। हाँ? तुम्हारे अम्मा का सारा बिजनेस संभालूंगा। लाइक दिस विक्की, और इसी खुशी के मौके पर मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया, और वो तोहफा ये नेकलेस। अरे ये हार तुम्हारे पास कहां से आया? इसी के लिए तो उस दिन हमारे घर में इतना झगड़ा हुआ। बस पड़ा हुआ मिल गया, रात गुजारनी थी, सोचा तू ना सही तो तेरा नेकलेस ही सही। बस इसे गले से लगाकर हम सो गए। ओ मिकी स्वीटहार्ट, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारी ये नीली आंखें, तुम्हारे ये होठ, हाय Thank you.
Okay. Good night. My darling. Bye. इतने रात गए कहां से आ रही है? वो मेरी सहेली है ना माँ, उसके पास गई थी। मोटरसाइकिल पर छोड़ने कौन आया था? मिकी। कौन मिकी? मेरा दोस्त। क्यों? देखो मुन्नी, मुझे तुम्हारे इन लड़कों के साथ दोस्ती पसंद नहीं है। लेकिन अम्मा, मैंने कहा ना मुझे पसंद नहीं। इस तरह बाहर के लड़कों के साथ खुलेआम घूमना, सड़कों पर गले मिलकर प्यार करना, घर में नौकर चाकर है सब देखते हैं। देखते तो आपको भी है सूरज चाचा, वो भी तो बाहर के आदमी है, लेकिन हमारे घर के हर मामले में दखल देते हैं। तो सूरज चाचा को बाहर का आदमी बोल रही है? हाँ, कौन लगते हैं वो हमारे बताओ। तू आज उस आदमी का रिश्ता पूछ रही है जिसने इस घर का हर सुख दुख को अपनाया है, साथ दिया है। तो मिकी भी मेरा साथ देता है अम्मा। वक्त बदल चुका है और तुम वक्त के साथ बदलना नहीं चाहती। अगर मैं मिकी से मिलती हूँ तो खुलेआम उससे शादी करूंगी। मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। मैं तुम्हारी तरह जल जल कर बुझूंगी नहीं। तूने बेशरम, तूने तूने तू सूरज को सूरज को तूने सूरज पर इल्जाम लगाया। इसका मतलब ये हुआ तूने मुझ पर इल्जाम लगाया, तूने अपने अम्मा पर शक किया है। मैं और जीना नहीं चाहती, मैं और जीना नहीं चाहती, मैं तेरा नहीं मुंह देखना चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। मुझे अम्मा, अम्मा मुझे मार दे, मैंने आप जैसी देवी पर इल्जाम लगाया। अम्मा मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ अम्मा, अम्मा मुझे माफ कर दो। अम्मा आप जो करेंगे मैं करूंगी, मैं मिकी से भी नहीं मिलूंगी अम्मा, मैं मिकी से भी नहीं मिलूंगी। घर के कुल और मर्यादा के लिए और तो कामिल बलिदान देना पड़ता है बेटी। सुशील लड़की है बहन, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आशीर्वाद दीजिए। आपने हमारी बात रख ली, ये आपका बड़प्पन है। चलिए मैं आप लोगों को घर दिखाऊं। हेलो, थैंक यू। हाय, झूला है ना? हाय, आपको रंग बहुत पसंद है ना? मुझे सभी रंग पसंद है। अम्मा ने कहा पहन लो, मैंने पहन लिया। आपके कोई खास शौक? नहीं, मेरा मतलब है गिल्ली डंडा, खो खो। कोई खास शौक नहीं। ओके, ठीक है। आपको मैं पसंद हूँ? अम्मा को आप बहुत पसंद है, और जो अम्मा की पसंद है वही मेरी पसंद है। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। सर, फैक्ट्री को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड प्रॉफिट। हाँ, 8 pounds। 8 pounds का ड्राफ्ट? No, 8 pounds का बेबी। हा? बेबी क्रेंसर को बेबी हुआ है। You have become a grandmother. मैं दादी बन गई।
अगर अम्मा बच्चे को देख भी लेंगी तो इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? कुछ बिगड़ेगा क्या? तुम क्यों नहीं समझते, ये मेरा बच्चा है और मैं उसे पालना चाहती हूँ जैसे मैं चाहूँ। अम्मा एक दिन आएगी, हर रोज आएगी, दादी माँ की ममता जाएगी एंड शी विल टेक ओवर कंप्लीटली। आई वोंट बी एनीवेयर, मैं प्लीज डोंट फोर्स मी। तो बाप बन गया है। हाँ, बहु मुन्ना कैसा है? अच्छा, देखने में कैसा है? कांग्रेचुलेशन। अरे रास्ता रोके क्यों खड़ा है, मुझे जाने दे। अम्मा वो बात यह है कि किरण को कुछ ब्लीडिंग ज्यादा हो गई है और डॉक्टर ने कहा है कि उसे पूरा आराम करना चाहिए। अच्छी बात है, मैं बहू को तकलीफ नहीं दूंगी। तेरा कामकाज कैसे चल रहा है? ठीक है अम्मा, वो तो मैं सब जानती हूं। देख मुन्ना, तेरे और बहू के लिए घर का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन फिर भी तेरी कमी महसूस होती है। हाँ, मुन्ने की शादी है। अच्छा? हाँ, बहू को लेके आ जाना जरूर। हाँ माँ। ये कुछ खिलौने मिठाई बच्चे के लिए ले आई थी। जी अम्मा। दे देना। अम्मा मुझे गलत मत समझना, और ये ग्रैंड रिसेप्शन के 500 कार्ड हैं, आपको और चाहिए? जी हाँ, मुझे और 500 चाहिए, इकलौती बेटी है ना इसलिए। जी अच्छा। हेलो, कौन? सूरज। सूरज मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। हाँ अरे देखो तो, साड़ी वाले का फोन होगा। हाँ, मुन्नी का फोन। मुन्नी का टेलीफोन। हेलो मुन्नी, अच्छा हुआ तुम फोन किया, यहाँ फौरन चली आओ, यहाँ सब लोग हैं, अपनी चीज खुद पसंद कर लेना। हाँ अम्मा, ये शादी नहीं हो सकती, मैं आज ही घर से भाग कर चली आई हूँ और मैं किसी शादी कर रही हूँ। हो सके तो अपनी मुन्नी को माफ कर देना। मुन्नी, मुन्नी, आप लोग मेहरबानी करके चले जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। अजय, क्या हुआ? मेरे घरों का क्या होगा? अजी वो साड़ियाँ, कम इतनी, तो फिर देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी लड़की आपके लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहते। हैं? शादी करना नहीं चाहती? ये शादी है या बच्चों का खेल? मुझे अफसोस है, जो भी पैसा खर्चा हुआ मैं दे दूंगी। आप पैसे वालों को हर तरफ पैसा ही नजर आता है, आप इंसान को इंसान नहीं समझते। हम आपके पैसे को ठोकर मारते हैं। मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने जो रिश्तेदारों को खबर दे दी है, ये हमारी इज्जत का सवाल है, आप हमारी इज्जत दे सकती हैं? कैसी माँ हो तुम, क्या सिखाया है अपनी बेटी को? कहीं साई कहीं बधाई, किसी यार के साथ भाग गई होगी, अब तुम्हारे खानदान की पोल खुल चुकी है। चलो जी। वैसे ही बैठे रहो और मेरी बात सुनो, मैं नहीं हूं, तुम मेरी तरफ देखोगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। सूरज, अब सब लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, मैं हार गई हूं, बिल्कुल अकेली हो गई हूं सूरज।
बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। सिर्फ तुम्हारे विश्वास का सहारा लेकर यहाँ आई हूँ। क्या तुम मेरे लिए उन लोगों को वापस ले आ सकते हो सूरज? तकदीर से लड़ न सका कोई, तकदीर के आगे झुक जा। पानी पर चल न सका कोई, तू कहाँ चले है रुक जा, रुक जा। तकदीर से लड़ न सका कोई, तकदीर के आगे झुक जा। पानी पर चल न सका कोई, तू कहाँ चली है रुक जा, रुक जा। हुआ तेरे जीवन से औरों का भी जीवन, जीवन जीवन जीवन। तेरे दिल में छुपी हुई है औरों की भी धड़कन, धड़कन 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 धड़कन। तन का रिश्ता टूटे भी तो टूटे न मन का बंधन, तन का रिश्ता टूटे भी तो टूटे न मन का बंधन। कितना खोया है ये न देख ये देख के, कितना पाया। रुक जा अम्मा, निकी ने शादी से इनकार कर दिया। वो कहता है कि जब तक अम्मा आकर मुझसे बात नहीं करेंगे मैं शादी नहीं करूंगा। अब मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली हूं। अम्मा, मैं मजबूर थी ऐसी हालत में किसी और से शादी करना। अम्मा, मैं प्यार में अंधी हो गई थी, मुझे माफ कर दो अम्मा। मुन्नी, रो नहीं, रो नहीं, तुम्हारी अम्मा अभी जिंदा है। अम्मा आखिर अम्मा है, बच्चों का दुख उससे कहां देखा जाता है। मुन्नी की खुशी के लिए उन्होंने निक्की को घर जवाई बना लिया और बढ़ते हुए बिजनेस में पार्टनर भी, जो निक्की चाहता था। मुन्ना ने जो भी काम करने की कोशिश की उसमें उसे नाकामयाबी मिली। किरण की सलाह से वो फिर अम्मा के पास लौट आए। अम्मा का दिल तो आप जानते हैं, अम्मा ने उन्हें माफ कर दिया और इसी तरह दिन गुजरते रहे। जिस तरह अम्मा का बिजनेस बढ़ता रहा उसी तरह परिवार भी। अब तो अम्मा के बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं। आइए उनसे मिलें। जिंदगी बिगड़ती है
तो बनती भी है। अब हमारे हिंदुस्तान की सोसाइटी, हमारा समाज मैट्रियाकल है या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन आप मेरे साथ जरूर सहमत होंगे कि हमारे घरों का दीपक होती है माँ, यानी कि अम्मा, और इस घर की अम्मा है शांता जी। आइए शांता जी के परिवार से मिलें। पिक्चर्स प्लीज। मुन्ना और किरण के दो बच्चे हैं, बड़ा नरेश और छोटी गीता। ये हैं शोभा, जो नरेश की पत्नी हैं और अब खुद भी मां बनने वाली हैं। ये लीजिए मिक्की और मुन्नी के ये तीन बच्चे, रमेश, राजू और राधा। ये राजू साहब तो अपनी दादी माँ के यानी शांता माँ के बहुत प्यारे हैं, बस समझ लीजिए आंखों के तारे हैं। तो ऐसा है शांता माँ का भरा पूरा परिवार। शांता जी, आप झोपड़ी में से महलों में आ गई हैं। आपके नवीन स्वादिष्ट अचार हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हैं। एक आखिरी लेकिन नाजुक सा सवाल, आप अपनी इतनी सारी दौलत का क्या करेंगी? मैंने अपनी वसीयत लिखवा लिए हैं। अपनी कमाई के 5 करोड़ रुपये में से 4 करोड़ के ट्रस्ट बनाया मैंने विधवाओं के लिए, ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और इज्जत की जिंदगी बसर कर सके। ये काम तो बड़ा सराहनीय है, लेकिन शांता जी, आपके घर वालों ने एतराज नहीं किया कि आपने 5 करोड़ में से 4 करोड़ दान कर दिए? मैं समझती हूँ आदमी को खुद कमाना चाहिए, नहीं तो ऐसे रुकावट के लिए क्षमा चाहते हैं। हमें खेद है कि आप ये इंटरव्यू पूरा नहीं देख सके, ये कार्यक्रम बाद में प्रसारित किया जाएगा। वाह अम्मा, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। बड़ी अम्मा, तुम मेरे स्कूल चलना, सब तुम्हारा ऑटोग्राफ लेंगे। बड़ी अम्मा, तुम मेरे भी स्कूल चलना। दादी माँ, अब तो आपको पूरा स्कूल जान जाएगा। बड़ी अम्मा, तुम कितनी अच्छी लग रही थी। गुड नाइट अम्मा। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आइए, सुन लिया आप लोगों ने, बुढ़िया हमें जीते जी भिखारी बनाना चाहती है। आई डोंट नो व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट। मैंने भी अपने खर्चे के लिए कितनी हुंडियां ले रखी हैं, मेरा तो दिवाला निकल जाएगा। लेकिन अम्मा ने हम लोगों को 20% तो दिया ही है, वो तो कर्ज में चला जाएगा। तुम लोगों ने काम तो किया ही नहीं, ऐश में पैसे उड़ाने के सिवा किया ही क्या? फॉरेन ट्रिप्स, पार्टीज। स्टॉप इट मुन्नी, तुमने काम ऐश नहीं मनाया। आस्क मी। नाउ कम ऑफ इट। लेकिन अम्मा खानदानी मिल्कियत फेंक कैसे सकती हैं? लगता है बुढ़िया पागल हो गई है। यू माइट हैव अ पॉइंट सर। ऐसा कानून तो है कि अगर विल होशो हवास में न की गई हो तो वो रद्द हो सकती है। अगर हम साबित कर दें कि बुढ़िया पागल है तो? मिकी, क्या कह रहे हो तुम, ये कोई मजाक नहीं है। तो हमें भिखारी बनाना मजाक है? मैं ये साबित कर रहूंगा कि बुढ़िया पागल है। ओके, अब ये सारी दौलत हमारी। मेम साहब, आपसे वकील बाबू मिलने आए हैं। नमस्ते अम्मा, ये हमारे वकील साहब है, मेरे डैडी के सब केस यही देखते थे। ये है हमारी अम्मा। मैंने कल ही आपको टीवी पे देखा था। अरे हाँ, हमारी अम्मा तो फैंटास्टिक हैं, खास तौर पे ये गरीबों का बहुत ख्याल रखती हैं। लीडर बनने वाली है हमारी अम्मा। एक्सक्यूज अस, यू आर राइट डार्लिंग। आइए वकील साहब। चलिए। क्या हुआ बेटे? अम्मा, मैंने एक सपना देखा। तुम पागल हो गई हो अम्मा, तुम मरने वाली हो। हाँ, वो लोग तुम्हें लूट रहे हैं। कौन? अंकल, आंटी और पापा। कल वो वकील से भी कह रहे थे कि तुम पागल हो गई हो। तुम पागल नहीं हो ना अम्मा। नहीं बेटे, तुम कभी मत मर रहा। नहीं, तुम कभी मत मर रहा अम्मा। सपने कभी सच नहीं होते। मैं तो तेरे लिए जिंदा हूँ। मेरे बड़ों ने तो सिवाय गरीबी के मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा था।
मैं फिर भी तुम लोगों के लिए 20% छोड़ रही हूँ। तुम लोग मेहनत करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, नहीं तो बच्चों के लिए क्या मिसाल बनोगे? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? बोलो। तुम लोग मुझे पागल करार देकर मेरी दौलत पर कब्जा करना चाहते हो। तुम लोगों को अम्मा से ज्यादा दौलत प्यारी है ना? अम्मा कैसी बातें कर रही हो? अम्मा कैसे हो सकता है ऐसे? अम्मा क्या कह रहे हैं अम्मा? देखो तुम लोग मेहरबानी करके मुझे अकेले रहने दो, चले जाओ, बच्चों को भेज दो। ओके। मालकिन परेश पिक्चर देखने गया है और नरेश वो अभी तक आया नहीं, और राधा बेटी खाना खा रही है, और गीता स्विमिंग पूल के पास है। राजू कहाँ है? राजू? राजू को तो मिक्की साहब ने आपके पास आने के लिए मना किया है। हम लोग छुप जाते हैं, अम्मा आएंगी तो ढूंढेंगी, बड़ा मजा आएगा। ठीक है। अरे चिट्ठी। राजू बेटे, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ, अम्मा को भूल जाना, तुम्हारी बड़ी अम्मा। क्या हुआ? क्या हो गया? चलो आप लोग जल्दी जाइए, अम्मा को ढूंढ कर लाइए, जल्दी जाइए। भल्ला, हाँ देखिए भल्ला साहब, सुबह से माँ पता नहीं कहाँ चली गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हाँ हाँ प्लीज प्लीज हेल्प मी। हाँ हाँ टेलीविजन पर आपने उन्हीं का प्रोग्राम देखा था। हाँ प्लीज थैंक यू। निकी, अम्मा पता नहीं कहाँ चली गई, उन्हें ढूंढ के लाओ प्लीज। आज मेरी स्नूकर्स का फाइनल है, तुम जानती हो। निकी आज तो तुम्हारा स्नूकर रह सकता है। पर तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? प्लीज निकी मेरे लिए। ओके। शोभा, देखो कॉन्ट्रैक्शन के साथ ब्रीथ करना चाहिए ऐसे। शोभा प्लीज देखो। अम्मा गांव में हमारी एक बहुत बड़ी हवेली है ना। हाँ बेटा। तुम मुझे वहां ले चलोगी? हाँ बेटा, एक दिन जरूर ले चलूंगी। Shh.
बाबा मेरी अम्मा बड़ी अम्मा को वापस बुला दो। राजू क्या खड़ी हो, जाके डॉक्टर को फोन करो ना। जी माँ, देखो फिर से क्यों नहीं आया डॉक्टर। पापा मेरे को, पापा मेरे को, डॉक्टर साहब कैसी है वो? बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कैसे न घबराऊं, मैं माँ हूँ, दादी माँ फर्स्ट टाइम बन रही हूँ। गाड़ी रोको। गाड़ी रोको। मुझे माफ कर दो अम्मा, हम सबको माफ कर दो। आज मैं अम्मा, हर माँ महान होती है, लेकिन तुम तो लाखों में एक हो। राजू, मुझे वो गाना सुना दे, एक था राजा। हाँ माँ। अम्मा वापस आ गई।